पाकिस्तान में अलग निकला। आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉर्नेशन, अभी हम मौजूद हैं चुनाव आयोग के कंट्रोल रूम में, जहां दो सीटों पर जो उपचुनाव को लेकर के मतदान चल रहे हैं, वहां से सीधे तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको कंट्रोल रूम से, किस प्रकार से सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है, हर बूथों की निगरानी रखी जा रही है, और किस प्रकार से जो टीम है कंट्रोल रूम में काम कर रहे हैं लगातार। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वरीय अधिकारी मौजूद हैं और लगातार काम चल रहा है। आपको बता दें कि बिहार में दो सीटों पर उपचुनाव होना है, कुछ स्थान और तारापुर सीटों को लेकर के उपचुनाव हो रहा है। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे मतदान होना है। तारापुर में 9 और कुशेश्वर स्थान में तकरीबन 8 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला होना है। आपको बता दें कि तारापुर में 3,27,242 वोटर हैं, वहीं कुशेश्वर स्थान की बात की जाए तो 2,57,153 वोटर हैं। आज के चुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों की संख्या की बात की जाए तो 25 कंपनी और बिहार विशेष सशस्त्र बल की कंपनी की तैनाती की गई है। कुशेश्वर स्थान में 310 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहीं तारापुर की बात की जाए तो 406 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2 नवंबर को वोटों की गिनती होनी है। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए हो रहा है मतदान। आपको बता दें कि 11 बजे तक का जो अब तक का अपडेट हमारे पास आया है कि वो अब तक 21.69% मतदान हो चुका है, वहीं तारापुर की बात की जाए तो लगभग 23% मतदान हुआ है। कुशेश्वर स्थान की बात की जाए तो 20.5% मतदान हो चुका है। ये अब तक के 11 बजे तक की लेटेस्ट अपडेट है। आपको बता दें 9 बजे तक की जो अपडेट हमारे पास आई थी वो 5.8% ही मतदान हुए थे। कहीं ना कहीं लगातार मतदान के जो प्रतिशत है वो बढ़ रहा है। आपको चुनाव आयोग के कंट्रोल रूम से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से निगरानी रखी जा रही है बूथों को लेकर के। यहाँ वरीय अधिकारी मौजूद हैं और लगातार निगरानी रख रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार से चुनाव में कोई भी दिक्कत ना आए, कोई बाधा ना आए, उसको लेकर के लगातार चुनाव आयोग सतर्क है। आपको बता दें कि जब हमने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से बात की कि किस प्रकार से चुनाव कराया जा रहा है तो उन्होंने कहा कि यहाँ शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है और लगातार अब तक की कोई हिंसा की कहीं से कोई खबर नहीं आई है और हम सब पूरी तरीके से इस पर निगरानी रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अधिकारीगण बैठे हुए हैं और लगातार चुनाव को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। तो हमने निर्वाचन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से बात की और क्या कुछ कह रहे हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, सुनाते हैं आपको। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है और सब सही चल रहा है, कहीं कुछ शिकायत नहीं है, कोई मेजर शिकायत नहीं है। ईवीएम वीवीपैट का हम लोग पर्याप्त संख्या में बैकअप रखे हैं तो कहीं गड़बड़ी नहीं है, किसी तरह की शिकायत भी हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ। सर अब तक का क्या कुछ अपडेट रहा है? लगभग 22% हम लोग का मतदान हुआ है अभी तक। और क्या कुछ कहीं से हिंसा की खबरें आई हैं या फिर शांतिपूर्ण तरीके से? नहीं, पूरा शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। तो आपको बता दें कि जो उपचुनाव का मतदान हो रहा है उसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लगातार चुनाव आयोग कार्यक्रम कर रही है। आपको बता दें कि 116 बूथ ऐसे हैं जहां पे महिला मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां महिलाओं के द्वारा वोट डाले जाने हैं। और आपको बता दें कि वो कुछ मतदान केंद्र में जो सुरक्षाकर्मी हैं या फिर जो भी अधिकारी हैं वो भी महिलाएँ हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए भी चुनाव आयोग पहल किया है इस उपचुनाव के माध्यम से। आपको बता दें कि श्रीनिवास जी से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब तक शांतिपूर्ण चुनाव चल रहा है और अब तक कहीं से कोई भी हिंसा की खबरें नहीं आई है। लगभग 11 बजे की अपडेट की बात की जाए तो 11 बजे तक लगभग 22% वोट जो हैं वो डाले जा चुके हैं। और भी अपडेट्स लगातार हम आपको न्यूज़ फाउंडेशन के माध्यम से दिखाते रहेंगे। सुबह 7 बजे से लगातार ये मतदान चल रहा है और 4 बजे तक चलना है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। लगातार जो भी चुनाव से जुड़ी खबरें होंगी हम सीधे कंट्रोल रूम से आपके तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।